मेरी दादी। हे राजेश्वरी नानी। तो आज हमें प्रोग्राम था तो सब लोग प्रोग्राम देख के आ रहे हैं। मैं बोलूं अच्छा, मुझे भी फॉलो करते रहे, मेरे वैसे ही फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं। इन्हें कोई पुरानो लो माला। महारानी विक्टोरिया मिस वर्ल्ड। सबसे पहले हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अगस्त मुनि से। मैं कॉलेज जा रही हूँ और यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। आज मुझे लगता है कि बारिश आएगी, कल शाम से बूंदाबांदी हो रही थी। आज तो मुझे देखने में भी ऐसा लग रहा है कि नदी का पानी भी कितना नीला और साफ सा लग रहा है। मुझे लगा था धूप नहीं आएगी, लेकिन सामने उस तरफ धूप आ गई है। तो एक हमारे अंदर भी एक किरण सी आ गई है कि चलो धूप आएगी, वरना तो मर जाना है भाई इतनी ठंड में। अगर यहाँ ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी, अगर यहाँ बारिश आई तो ऊपर की तरफ चोपता की तरफ पक्का बर्फबारी होगी। और लोगों का न्यू ईयर का जो प्लान है कि चोपता जो लोग गए होंगे वहाँ पे स्नोफॉल देखने का, उन लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। लगभग 1 किलोमीटर आई होंगी मैं और कॉलेज में आते आते मेरी नाक जम गई। ओहो, मुझे ऐसे भी लग रहा है मतलब आज कोई डिपार्टमेंट में है ही नहीं नीचे 10 बजे से, वरना MSc MA वालों की पढ़ाई होती है, पर कोई आ ही नहीं रहा। एक दो ही बच्चे आ रहे थे और क्लास भी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं वापस आ गई। तो मुझे लाइब्रेरी जाना था बुक जमा कराने के लिए, तो मेरा वही काम था। तो चलो वो तो हो गया। ऊपर वालों के लिए ठीक है, ऊपर गाँव में धूप आ जाती है। हम लोगों के लिए दिक्कत है जो हम यहाँ नीचे सब घाटी में रहते हैं, अगस्त मुनि वालों के लिए धूप ही नहीं आती है। तो अभी 1 बजने को है और मैंने सोचा मेरे पास पूरा दिन बचा है, तो मैं कल घर जाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा आज चली जाती हूँ। और 31st है कल और हम लोगों के प्लान वगैरह बन रहे हैं, तो देखते हैं क्या क्या। वैसे हमारा कुछ प्लान बन नहीं रहा है, अगर आप लोगों को बन रहा है तो फोटो मत डालना, हमारा दिल मत जलाना, ठीक है। चुपके से घूमना और अपनी फोटो संभाल देना, दिल मत जलाना हमारा। जब से यात्रा बंद तब से बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे, और आज न्यू ईयर के लिए ना काफी सारे यात्री आ रहे थे। मैं देख रही हूँ कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, काफी सारी कार है, काफी सारे लोग चौकता जा रहे हैं, लोग खूब मजे करेंगे। मेरे को भी मेरा दोस्त मिला यहाँ पे विक्रांत, तो कह रहा था कि प्लान बना रहे हैं कि हम लोग भी चौकता जाएंगे। तो मैंने कहा मैं तो घर जा रही हूँ, बोला कल वहीं से आना, तो मैं देखती हूँ सुबह तक क्या होता है। भैया जी थोड़ा तक जाएंगे? कितना टाइम? ये पीछे भैया कह रहे हैं कि 15-20 मिनट लगेंगे उनको सामान लेने में, तो क्या पता मैं दूसरी गाड़ी मिल जाए। आ जाओ गाड़ी वालों, जल्दी आओ जल्दी आओ। इसको पूछते मैं सामने वाले को। ठीक है ठीक, जो तो ये है हमारे पीछे मेरा रतुड़ा मार्केट। बड़ी मुश्किल से यार मौसम ऐसा हो रहा है ना आजकल, पता ही नहीं चल रहा कितनी जल्दी, जो कि अभी 3:30 हो रहा है ऐसा लग रहा है। रुद्र प्यार में मेरे को लग रहा था रात होने वाली है। मुझ पे बहुत आफत आ गई इस चढ़ाई पे। 1 किलोमीटर में इस बैग ने मेरी बहुत हालत खराब कर दी। तो आज सुनने में आ रहा है कि हमारे गांव में प्रोग्राम था, तुम उन बुलाए नहीं मैं तो सामने से प्रोग्राम देख के आ रहे हैं ताई जी लोग। ताई जी प्रणाम। प्रोग्राम खत्म। अरे यार हो बच्चे पार्टी। हेलो, हाँ ठीक हो? कैसा रहा प्रोग्राम? अच्छा था। ओहो मोटू छोटी आज प्रणाम। ए क्या तुम हो? मैं अब हूं। अच्छा आप ठीक है? हाँ हाँ। तुमने बुलाई नहीं था? तुमने बुलाई नहीं? मैं कहाँ है जो खत्म नहीं हुआ? अच्छा इसको देखिए गाइस, इसको देखिए, इसको देखिए स्लिम ट्रिम गर्ल। देखो गाइस इसको देखो, सामने से आ रही है मेरी दादी, सामने जा रही है। हे राजेश्वरी, हे राजेश्वरी। हाँ ना मैं अभी प्रणाम। क्या हो? मैं प्रणाम ठीक ठाक हूँ यार। तुम थे कहाँ से? हाँ हाँ बिल्कुल। तो आज था प्राइमरी स्कूल में प्रोग्राम, मैं अगस्त मुनि में। तो आज हमें प्रोग्राम था तो सब लोग प्रोग्राम देख के आ रहे हैं। हाँ अभी और ही कुछ दिन में। हाँ
क्या सोनी? हाँ प्रोग्राम छो, मुझे पहले से पता था कि जो हमारे स्कूल में प्राइमरी स्कूल है उसको 100 साल पूरे हो गए हैं, तो उसके उपलक्ष्य में वहाँ पे आज एक प्रोग्राम था। जब मैं घर के नीचे इस जगह पे आती हूँ तब मुझे याद आती है यार मैं चाबी लाई होंगी कि नहीं, लेकिन मेरे बैग में ऊपर से मुझे काम नहीं देख रही है, तो लेकिन मेरे बैग में परमानेंट एक जेब है जहाँ पे मैं परमानेंट चाबी रखती हूँ, कि बैग तो लेके जाना ही है इसलिए मैंने चाबी रखी होगी, है ना दादी, है ना क्यूटी पाई। मैं दादी को कैसे डराया, मैंने दादी का नाम है राजेश्वरी, मैंने बोला ए राजेश्वरी, दादी देख मैं नहीं होती ना कोई और होता तो उसने गाली खा दी थी। क्या 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 100 साल पूर्व थे ना? हाँ हाँ 100 साल पूर्व रंगो रंग प्रोग्राम। अच्छा तो 3,000 के थे? अच्छा तो सब लोग आए स्कूल में जा रखे थे काम नहीं चाची। मनीषा कब आए? कई लोग कमेंट कर रहे थे कि मनीषा कहाँ है, घर आ गई कि मनीषा कहाँ है, मनीषा भी घर आ गई। 100 साल पूरे हो गए स्कूल के लिए। हाँ भाई तो जो यहाँ पे प्राइमरी स्कूल थी उसको 100 साल पूरे हो गए, तो सारे गांव के लोग ऊपर गौर ग्वार के जितने भी लोग रास्ते में मिले सब लोग वहीं से आ रहे थे, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि हमारे प्राइमरी स्कूल को 100 साल पूरे हो गए। गुड़ी पढ़ाओ। तो आज मेरे को गुरुजी भी मिल गए, गुरुजी मेरे को बहुत याद करते रहते हैं मैंने सुना है। तभी तो गुरुजी प्रणाम, हमारी शिष्या प्रणाम चरण जी, ठीक ठाक होंगी। तो आप लोग कहते हैं कि मैं हिंदी कहाँ से बोलती हूँ, तो यही है मेरे शुरुआती हिंदी के गुरुजी जिन्होंने 8 तक मुझे पढ़ाया है, तो गुरुजी से ही वो ज्ञान आया है, तो आज आप साक्षात देख सकते हैं यहाँ। हाँ ठीक है, हम भी एक उससे आ रहे हैं, सप्ताही दिवस से आ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। और ये हमारी बहुत पुरानी स्कूल थी। हाँ 100 साल हो गए। 100 साल पूरे हो गए हैं, स्थापना 1922 में हुई है। अच्छा ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमारे सारे क्षेत्र वालों ने सप्ताह दिवस को मनाया है। अच्छा, और अंग्रेजों के बारे की ये स्कूल है 100 साल पूरे। 100 साल पूरे ठीक है। और मोनिका ठीक है, धन्यवाद। ठीक गिल्ट ना सिल्ड दादी कह रही गिल्ट गिल्ट मिला हुआ। अच्छा अभी आ रही है उस स्कूल से, मैंने तो नहीं पढ़ा है, अंजलि और जो मेरी बड़ी वाली दीदी है उन्होंने पढ़ा है। मैंने ऊपर गॉड की स्कूल से पढ़ा हुआ है 6-7 तक, उसके बाद मैं गर्ल्स में गई तब गई मैं इंटर कॉलेज में। मैं नहीं पढ़ी, वो दू पढ़ी ना मैंने गॉड पढ़ी तक। तो जो ये गुरुजी हमारे थे ना, हाँ ये हम वहाँ गॉड की स्कूल में टीचर है, उस समय वो प्राइवेट थी, अब वो सरकारी हो गई। दरवाजे वगैरह मैंने खोले, यहाँ पे मेरी एक बहन है तो वो कह रही थी, बहन मतलब जिसकी सगाई हुई थी परसों, पूरी थी कि न्यू ईयर का क्या प्लान करना है, तो मैंने कहा शाम को आके बात करेंगे। तो जरा मैं अभी सोच रही हूँ एक चक्कर चली जाऊँ मैं वहाँ, पूछ लूँ कि क्या क्या करना है न्यू ईयर पे। वैसे तो क्या करना है, मैं तो सोच रही हूँ कोई खाने पीने की चीज़ बनाएंगे घर में मस्त। तो जब परसों हम लोग घर आए थे तो हमने ये लहसुन वगैरह यहीं छोड़ा हुआ था, और प्याज पे देखो प्याज ऐसा हो गया, मतलब दूसरा प्याज आने लग गया इस पे। तो घर में आते ही हमारे यहाँ आए हैं मेहमान जी, ये हैं हमारे परम मित्र, देखो ते खोड़ा छोड़ो दे जा, हेलो करते भैया को। अरे बहुत हैंडसम हो यू है बिंदी, ये बहुत खतरनाक हैंडसम है। इसका नाम है राहुल राठौर, अगर लड़की पसंद नहीं होता नरे क्या पता, प्रणाम प्रणाम मन्नत, देखो क्या पता किसी लड़की को ये पसंद आ जाए, तो इंस्टाग्राम पे राहुल राठौर नाम से फॉलो करें और इसको वानी नेगी नाम से फॉलो करें। मुझे भी फॉलो करते रहे, मेरे वैसे ही फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, 6,000 लोग फॉलो करते हैं इसको, क्या ज्यादा नहीं है, जहाँ बड़ी वीडियो मना गाड़ी बोल जाकर दो भले, मैं तो ढंग से गा रहा हूँ वीडियो मना गाड़ी बोल। ये मुझे स्कूल से मिला आज। अच्छा जहाँ बड़ी ये माला ना, थोड़ा मैं कुछ देर पढ़ाई में चाय पी लूँ, ये माला ना मुझे मिली आज प्राथमिक विद्यालय। ठीक है न्यू ईयर का प्लान करेंगे कुछ, ये भाई मैं फूल तो ये हमको आ जाओ माला पहना, क्यों पहना रहे छोटी होगी, इतना मुंडी बड़ा होगा तो सर में रख दे ऐसे यार, इन्हें माला ऐसे ऐसे महारानी विक्टोरिया मिस वर्ल्ड, बहुत ही गंदी लगी, इतनी इतनी मोटी मिस वर्ल्ड देखी है आपने कहीं, मॉडलिंग करेगी? हाँ मॉडलिंग करूंगी, 100 साल माला से बोले, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय 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 टाटा, पटवारी बीच दिया पटवारी का पेपर, पटवारी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारा यूट्यूब में फैला दी, कैंसिल होगी वीडियो, वीडियो दोनों, और वो भी क्या हुए वो सचिवालय वाला रक्षक वाला, हाँ बंदी रक्षक क्या हुआ कैंसिल हुआ, अब क्यों पुलिस पेपर लीक,
लीक हो जाएगा तो अच्छी बात है, होना चाहिए। उत्तराखंड में लीक ना हुआ तो क्या हुआ? तो पता कैसे लगा उत्तराखंड का पेपर हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ। हेलो गाइस, क्या सोच रहे हो? हमने आईएएस पीसीएस जो कुछ भी किया ना, हमने आजा 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 तू बड़ा पढ़ा पढ़ा बताने वाले नियम क्या कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते सारे पेपर आए वहाँ भी छोड़ा, हम चाहते हैं सारे पेपर कैंसिल हो जाए, हम चाहते हैं आज छोड़ा। देखो हम दे रहे थे पेपर उस टाइम, किसी ने हम पे गौर नहीं किया, अब हम चाहते हैं कि हम किसी पे गौर ना करें। वही तो, ये बहुत नाराज है कि इसके टाइम पे होता है, आदमी को दुख तो होता है कि हमारे टाइम पे इन्होंने साल में, मैं परसों दे रही हूँ पेपर। हाँ वही तो, कि फॉर्म हमने 5 साल पहले भर रखे पेपर, अब दे रहे, दुख तो होता ही है, क्या कर रहे हैं।